ओके सर, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या है? और इसमें एक और फॉर्मूला जो बार बार आपको आएगा और हर चैप्टर में आगे परेशान करेगा वो ये है, एटलीस्ट मुझे तो किया है, आपका पता नहीं। ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू, नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या लिख रहा है सर? फॉर्मूला ये बात बोल रहा है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू। इसमें सिंबल नोट कर लीजिए कि सिंबल क्या क्या है, एटलीस्ट पहले सिंबल तो समझ आए फिर उससे बात करनी शुरू करेंगे। तो देखिए, डी डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क डन, एफ जो है फोर्स अप्लाइड, एक्स जो है वो डिस्टेंस मूव्ड है, डिस्टेंस मूव्ड है, और यू जो है यार वो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ा फिजिक्स में कंफ्यूजन का विषय है, यू पोटेंशियल एनर्जी। चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर, ओके, और अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कंफ्यूज हो तो वापस किसी चीज पे आ जाइए, जो एग्जांपल मैं आपसे लूँ, जो एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर लूंगा उसी पे वापस आ जाइए। उससे पहले मैं एक और चीज आपसे क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन का केंद्र बन जाता है। आप 1 पे थे और आप 10 पे चले गए, तो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? हुसैन सर हुआ। जी कोई डाउट है? हाँ सर हुआ। आप 1 मीटर पे गए, आप 10 मीटर पे चले गए, इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? हुआ हुआ। ओ, हाँ हाँ सर। ठीक। अब आप 10 मीटर पे थे और आप 1 मीटर पे आए, तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? कोई डिक्रीज डिक्रीज डाउट है? नहीं अब नहीं देखिए मैं क्या करता हूं, अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 मीटर है, ये मेरा 10 मीटर है, ये मेरा 15 मीटर है। अब जब मैं यहां से यहां पर आता हूं तो मैं इंक्रीज कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं? इंक्रीज इंक्रीज यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं सर। इस केस में सी इट इज वेरी सिंपल। इस केस में आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आपने ऐसे डिफाइन किया, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस केस में आपने जो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो ऐसे डिफाइन किया हुआ, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं अब दूसरी चीज देखिए, मैं -10 पे था और मैं -1 पे आ गया, मैं इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज ना डिक्रीज -1 से -10 ना, -10 से माइनस माइनस वन टेन अच्छा से माइनस -10 वन से -1 इंक्रीज इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज इंक्रीज। चिंता मत कीजिए, आप नहीं, लाइन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब बात शुरू होती है, और ऐसा नहीं कि आप होते हैं, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। वो थोड़ा सा दिमाग को तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि उसको सोचना कैसे है। यार ये एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। यहां मेरा 0 मार्क है और मैं यहां 10 पे आ गया और मैं ऊपर जा रहा हूं, तो +10 मीटर होगा। यस सर नो सर? यस सर। नहीं, नहीं अब मुझे ये बताइए, अब एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कि यही मेरा लाइन है, थोड़ी देर के लिए ज़ूम कर लीजिए, ये इन्फिनिटी है और ये जो है ये 0 लेवल है। ऐसा नहीं, बात समझ आ गई? हाँ सर। ये इमेजिन कीजिए कि एट इन्फिनिटी, यू हैड
जीरो बिस्किट्स एंड एट जीरो यू हैव -100 बिस्किट्स. मेरी बात समझ आई? हाँ सर. तो अगर आप जीरो से -100 आ रहे हैं तो आपकी जो बिस्किट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? डिक्रीज. आप जीरो पे थे और आप -100 पे आ गए तो आपके जो नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं वो क्या हो गए? डिक्रीज. ओके. अब ऐसे ले लीजिए कि आप सिर्फ दिमाग को एक्सरसाइज देने के लिए यहां पर -100 बिस्किट्स थे और यहां पर जीरो बिस्किट्स हैं, तो आपके नंबर ऑफ बिस्किट्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं? इंक्रीज. एक्चुअली कोई डाउट है? नहीं सर. अब देखिए ये जो DW है, ये लास्ट लेक्चर में हमने ये डिसाइड किया था कि ये दो तरह का DW हो सकता है. कौन सा और जो फोर्स है वो भी दो तरह की हो सकती है. ओके. एशन जी सर. मिस्टर एक्टिव वर्क दो तरह का कौन सा हो सकता है? DW दो तरह का कैसा हो सकता है? सर एक चिराग पॉजिटिव और नेगेटिव. कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? सर सर मतलब आप जो पॉजिटिव बोल रहे हो तो पॉजिटिव किसको बोल रहे हो, नेगेटिव किसको बोल रहे हो? सर वर्क डन जब पॉजिटिव रहेगा तो फोर्स अप्लाइड नेगेटिव रहेगा, और जब फोर्स अप्लाइड नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा. नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बात ऐसी कुछ चल रही थी कि जो वर्क डन है या तो जो वर्क डन कैन बी डन एजेंसी हेलो क्या हो सकता है? हेलो हाँ आवाज आ रही है. हेलो इंटरनल वर्क हो सकता है. इंटरनल मतलब हेलो सर आवाज आ रही है आपकी? हाँ. या तो वर्क एक्सटर्नल एजेंसी कर सकती है या जो कौन कर सकता है? इंटरनल. इंटरनल वर्क का कोई एग्जांपल दीजिए. सर स्प्रिंग में जब हम खींचते हैं तभी वो जो उसका जो फोर्स है जो उसको वापस ये ठीक करता है, वो इंटरनल एनर्जी. तो अगर आपने स्प्रिंग सिस्टम लिया, स्प्रिंग सिस्टम में आप जब इसको खींचेंगे तो आप खींचेंगे इस साइड एक्सटर्नल, दैट विल बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी. हां वर्क एक्सटर्नल होगा. व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग, जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपका जो एक्सटर्नल वर्क है वो पॉजिटिव है, बट इस टाइम जो इसका इंटरनल वर्क है वो क्या होगा? नेगेटिव. यहां तक किसी को डाउट है? नहीं. फोर्स भी हमने ऐसी डिफाइन की थी, एक फोर्स हो सकती है जो एक्सटर्नल एजेंसी लगा रही है और दूसरा जो फोर्स है वो जो इंटरनल मतलब जो सिस्टम है जो वो लगा रहा है. यस सर नो सर? यस. फॉर एग्जाम्पल इसी केस में आप जो एजेंट एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है वो इस साइड लगा रहा है, बट जो एजेंट सॉरी ये तो एजेंसी लगा रही है, जो सिस्टम लगा रहा है सिस्टम ये वाला फोर्स लगा रहा है which is equal and opposite to this. Yes sir, no sir? Yes sir. Actually, you could doubt it? No sir. So sir, ye jo hai force external hai ya agency outside agency laga rahi hai, aur ye jo force hai ye internal bol dijiye ya isko system bol dijiye. Ye case lijiye sir. Ye case lijiye jisme aapki jo ball hai जिसमें आपकी जो बॉल है वो यहां पर. अब देखिए आप अर्थ जो है वो आपकी बॉल को ये साइड खींच रही है, ये जो फोर्स है ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? सर ये इंटरनल है. एस्टन जी कोई डाउट है? नहीं. अगर आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये वाली डायरेक्शन है जो मेरी वो पॉजिटिव है
आप अगर ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये वाली मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव. तो वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव. एक्चुअली हाँ या ना? पॉजिटिव हाँ सर. क्यों है मिस्टर एक्टर? सर क्योंकि जो फोर्स अपने हम लोग जो लगा है वो नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है. नेगेटिव है पॉजिटिव? सर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है. नहीं, मैं ये जो फोर्स यहाँ पर लिखी है, ये कौन सी फोर्स है? सर वो सिस्टम का है. हाँ सिस्टम मतलब अर्थ का फोर्स है, अर्थ का. और जो डिस्टेंस मूव्ड हो रहा है वो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है? सर क्योंकि हम लोग ने एक्सेस ऐसे मतलब. ऐसे तो जो वर्क हाँ है उसमें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में? सर सेम. ओके, तो वर्क डन बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। इस केस में 10th क्लास की फिजिक्स के हिसाब से आपने आप सिस्टम की जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, चलिए वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? क्यों डिक्रीज डिक्रीज हो रही है? सर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन इंक्रीज होगी. ये तो क्योंकि क्योंकि हाइट कम हो रही है तो. हाइट कम हो रही है, एच इज डिक्रीजिंग। एक्चुअली हाँ या ना? हाँ सर थोड़ा नहीं समझा सर. हाँ सर, समझाने के लिए बैठे हैं आज, यही हमने करना और कुछ करना नहीं। पोटेंशियल हाँ एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसमें कोई 11th 12th का पढ़ना नहीं है, बेसिक हाँ बेसिक 10th क्लास की फिजिक्स की बात कर रहे हैं, और हमारा आज का एजेंडा यही है, कुछ और काम नहीं करना होगा, यही करना। ये हमने 10th क्लास में किया था कि ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, आपकी बॉल यहाँ पर है, हाँ बॉल यहाँ से गिर के यहाँ तक पहुंची, तो ये वाला जो इंटरवल है इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है? इंक्रीज. ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता सर MgH. है? MgH। लेट अस अज्यूम कि जो मास है, मास ऑफ द बॉल है वो 1 kg है, फॉर ई हाँ सर्कुलेशन जी जो है वो 10 m/s² है, हाइट तो यहाँ पर लिखी हुई है, हाँ एट पॉइंट, इसको पॉइंट पी बोल देते हैं, एट पी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर 150 कैसे निकाला सर आपने? MgH. सर MgH. इसको पॉइंट क्यू बोल देता हूं, एमजीएच कितना? 50 सॉरी, 50 जूल्स. तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, 100 जूल. पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव. पॉजिटिव है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाँ सर पॉजिटिव. नेगेटिव फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी सर 100 जूल. है? चलिए कंफ्यूज मत होइए, इसको इनिशियल बोल दीजिए, इसको फाइनल बोल दीजिए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? फिफ्टी माइनस 150. नहीं, मुझे हाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताइए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 50 50 50 जूल. 50 जूल. इनिशियल कितनी थी? तो 150 जूल. 150 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -100 जूल. याद है किसी को डाउट? हाँ नहीं 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 याद है किसी को डाउट? नहीं 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 अर्थ जो है वो फोर्स इस साइड लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस साइड हो रहा
वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है? नेगेटिव नेगेटिव ऑफ सिस्टम। नेगेटिव। हाँ ठीक है। ऐसा नहीं, कोई डाउट? नहीं सर। मुझे भी कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? हाँ हाँ जब भी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, आप स्प्रिंग का क्वेश्चन करेंगे, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होंगे, हो सकता है आप सरफेस टेंशन का क्वेश्चन कर रहे हो, ग्रेविटेशन में होंगे। हमेशा जब भी आप ये फॉर्मूला देखें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू, इसका मतलब ध्यान से सुनिए कि डी डब्ल्यू जो है, मतलब पहले तो ये अपने अपने आप से पूछिए कि किसको एनालिसिस, किसका एनालिसिस कर रहे हैं? सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब इंटरनल बात चल रही है या एजेंसी की बात कर रही है? एजेंसी की बात चल रही है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें ये जो डी डब्ल्यू है ये है सिस्टम, ये जो एफ डी एक्स, इसमें जो एफ है ये किसका है? सिस्टम का। किसका? ये जो डी यू है ये किसका है? सिस्टम का। यहां तक कोई डाउट है क्या नहीं सर। मिस्टर उजैन, मिस्टर एक्टर? नहीं सर। नहीं कोई डाउट तो नहीं? नहीं अब ये केस देख लीजिए, ये अर्थ है, यहां ये बॉल पड़ी है, ये बॉल उठा के आपने, सिंपल ही लगता है, ये 0 मीटर पे बॉल थी, आपने बॉल उठा के यहां रख दी 10 मीटर पे, फोर्स कौन लगा रहा है? आपने उठाई है ये बॉल, फोर्स हाँ कौन, किसके फोर्स की बात हो रही है? एक्सटर्नल। अब आपने जो एक्सेस अपना रखा है वो ऐसा रखा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा इंक्रीज इंक्रीज है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ मिस्टर उजैन, पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। एक्शन जी, कोई डाउट? नहीं सर। ये जो आप केस कर रहे हो और ये जो यहां पर लिखा हुआ है, इनमें पहला डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? एक सिर्फ एक स्मॉल डी के लिए, ये एक स्मॉल पार्ट के लिए। सिंपल। अब बताइए ये केस। सर एक सिस्टम के लिए और एक एक्सटर्नल फोर्स के लिए। शाबाश सर, एक बात चल रही है सिस्टम की और एक बात चल रही है एजेंसी की। ये जो सिस्टम वाला है ये तो इंटरनल, मतलब जो इंटरनल एजेंसी काम कर रही है, ये जो है इसमें कौन, दूसरा डिफरेंस क्या है? सर एक में पोटेंशियल नेगेटिव है, एक में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। एक्चुअली बात समझ आई नहीं आई हाँ सर। सर। सिस्टम जब काम कर रहा है, सिस्टम जब काम कर रहा है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो कर रही है? नेगेटिव। हाँ डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज डिक्रीज। और एक्सटर्नल एजेंसी जब काम कर रही है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। हुसैन जी नहीं समझ आ, समझ रहा है सर। समझ रहा है। हुसैन जी ये आपके घर का टीवी,
हाँ ये आप बैठे हैं यहाँ पर, ये आप चिप्स और कोक पी रहे हैं और बढ़िया मतलब टीवी देख रहे हैं, ये आपकी मम्मी जी हैं, मम्मी जी किचन में काम, दूसरे केस में ये आपका टीवी है और ये आप किचन में काम कर रहे हैं। जहरी बात समझ आई, मम्मी हाँ जब काम कर रही है तो आपकी एनर्जी में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं आप जब काम कर रहे हो तो आपकी, आप जब काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी में फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? हाँ एक्सटर्नल एजेंसी जब काम करेगी तो सिस्टम की एनर्जी को क्या होता है? मान लीजिए इंक्रीज, बढ़िया मतलब ऐसे रेस्ट इंक्रीज। कर रहे हो, कोक पेप्सी पी रहे हो, मजा कर रहे हो, पिज्जा भी मंगा लिया, बट जब जो सिस्टम है वो खुद ही काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो सकती है क्या? उसकी एनर्जी तो डिक्रीज ही होगी। यस सर, नो सर? कोई डाउट है क्या? अब नहीं बाजी को डाउट है? यार अगर सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम जो काम करेगा वो तो अपनी एनर्जी से काम करेगा ना, तो एनर्जी को तो डिक्रीज करेगा, बट अगर एक्सटर्नल बॉडी काम करेगी तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। यस सर, नो सर? बट अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें भी एक सिंपल सा काम, इसमें भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। जहरी हाँ सर। जी आपको ज्ञान दे रही है एंड यू आर फुली अटेंटिव, अटेंटिव तो उन्होंने 10 बातें आपको समझाई और 10 बातें आपको समझ आ गई। मेरी बात समझ आई? दूसरे केस में दिस वॉज मंडे, ऑन फ्राइडे यू आर नॉट इन अ मूड टू लिसन। जब वो 10 बातें आपको सुना रही थी तो उसमें से सिर्फ 3 बातें रजिस्टर हुई आपके, बाकी की जो 7 बातें हैं वो वेस्ट चलेंगी। मेरी बात समझ आई नहीं है? हाँ सर समझा। ये सर सिस्टम ने सॉरी एक्सटर्नल फोर्स ने थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक्सटर्नल फोर्स ने 10 न्यूटन काम किया। चलिए ऐसे देख लीजिए कि ऐसे देख लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स ने 10 जूल का काम किया। देर वॉज नो विस्कोसिटी, देर वॉज नो फ्रिक्शन, देर वॉज नो ड्रैग, कुछ भी नहीं था, एयर काम हो रहा है, बढ़िया काम। तो 10 जूल का अगर आप काम करोगे तो वो सारा का सारा जो काम है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। नहीं समझ? हाँ समझ तो कहने का, रहा है। अगर ये मास जो था ये अगर 1 kg का होता एंड ग्रेविटी हम 10 m/s² मान लेते तो यस ऑफ कोर्स द सिस जो एक्सटर्नल एजेंसी है उसने उस बॉल को 10 m ऊपर राइज कर दिया होता, क्योंकि 1 kg × 10 सॉरी 100 मान लेते, 100 मान लेते इंटू 10 इजिकल टू 100 जूल। तो एक्सटर्नल एजेंसी ने 100 जूल का काम किया एंड होल ऑफ दैट 100 जूल वेंट ऑन
टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं सर. Why? Because there was no wastage of energy in terms of viscosity, friction, drag, कोई तामझाम नहीं था. नहीं समझ में आया? समझ. सिर्फ जो काम हो रहा था, जो एक्सटर्नल एजेंसी जो काम कर रही थी, वो किसके अगेंस्ट कर रही थी? एक्सटर्नल एजेंसी जो काम कर रही है वो किसके अगेंस्ट कर रही है? ग्रेविटी. ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स. यस सर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है, अगर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक्सटर्नल वर्क अगर 100 जूल हो रहा है, तो आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट 100 जूल हो जाएगी. यस सर. नो सर. यस. बट लेट अस अज्यूम कि आप सिस्टम को बोलते हो, सॉरी आप, हाँ ठीक है, सिस्टम को बोलते हो W एक्सटर्नल. जो एक्सटर्नल बॉडी है वो सिस्टम को बोलती है कि आई एम रेडी टू गिव यू 100 जूल. बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, फ्रिक्शन भी है, विस्कोसिटी भी है, ड्रैग भी है. जो एक्सटर्नल एजेंसी है या जो एक्सटर्नल फोर्स है, इट इज डूइंग वर्क अगेंस्ट ऑल दीज फोर्सेज. तो क्या आपको लगता है कि जो ये बॉल है ये 10 मीटर ऊपर चली जाएगी? मिस्टर अब्बास. नहीं सर. क्यों सर? सर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, फ्रिक्शन भी कर रहा है, विस्कोसिटी भी कर रहा है इसके लिए. ग्रेविटेशन तो यहाँ भी काम कर रही है. मिस्टर हुसैन. हाँ सर. अब क्या होगा सर? जाएगा. मिस्टर चिराग. तो क्योंकि 100 जूल्स में से बहुत सारा जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगा फ्रिक्शन और ड्रैग और विस्कोसिटी ओवरकम करने. अब आज ही नहीं समझ में आ. समझा सर. मंडे को मिस्टर हुसैन 10 बातें मम्मी ने समझाई, 10 की 10 बातें समझ गए. मंडे को मिस्टर हुसैन डिस्ट्रैक्टेड थे. 10 चीजें मम्मी ने समझाई बट 3 चीजें समझ आई. और 7 चीजें क्या होंगी? वेस्ट. आपकी जो एक्सटर्नल एजेंसी है, एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो 100 जूल काम देने को तैयार है. 2 केसेस बनते हैं. एक केस तो बनता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है. अगर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आप जितना भी काम करेंगे वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में चले जाएगा. हाँ या नहीं? यस सर. बट अगर जो सिस्टम है वो काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ड्रैग, ये तामझाम के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो आपका 100 जूल सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगा? नहीं. हुसैन जी. मिस्टर एक्टर. हाँ सर जाएगा. मिस्टर एक्टर सोए हुए. अबाजी ये वाले. हाँ सर. अबाजी ये वाले केस में क्या 100 जूल का वर्क 100 जूल के इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में चले जाएगा? नहीं सर. ये फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ड्रैग ओवरकम करने में बहुत कुछ चले जाएगा. हुसैन जी नहीं समझ में आ. समझ रहा है सर. ये वाली जो फोर्सेस है, चिराग जी इनको क्या बोलते हैं? सर कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस. ये वाली जो फोर्सेस है इनको क्या बोलते हैं राजीव?
नॉन कंजर्वेटिव वेरी गुड आउट नहीं सर नहीं नहीं तो अब्बा जी आप जब किसी सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी सिस्टम का एनालिसिस सर एक मिनट रिपीट करोगे आवाज कट हो रहा था मैं आपको ये कह रहा था कि आप जब भी किसी सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हैं सिस्टम और एक्सटर्नल फोर्स का आप अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए सबसे पहले कि कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सिचुएशन क्या है कॉन्टेक्स्ट क्या है अगर आपका जो वर्क हो रहा है जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है एक्सटर्नल वर्क जो हो रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट हो रहा है तो मिस्टर अब्बास आपको क्या लगता है कि ये वाली इक्वेशन आप लगा पाओगे इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं सर शायद से नहीं शायद से नहीं पक्का नहीं है नहीं सर पक्का नहीं क्यों पक्का क्यों नहीं नहीं सर ये नहीं होएगा क्योंकि बहुत सारा एनर्जी ओवरकम करने में जाएगा ना दूसरा फ्रिक्शन ऑफ सब बेस पर बना यार बिल्कुल ठीक है बट अगर कोई बोल देता है कि जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सर हाँ सर ये लगा सकते हैं फॉर्मूला हाँ Yes or no? Yes, yes sir. Ashwin, any doubt? No, sir. Mr. Chirag, doubt? No, sir. तो सबसे पहले ये देखिए, ये पैराग्राफ देखिए, ये पैराग्राफ देखिए। इस पैराग्राफ को देख के मुझे ये बताइए कि ये जो इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है? पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ा दोबारा से पढ़ लीजिए बताइए जरा सर इसका मतलब है कि जो वर्क डन है जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तभी ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा चलिए पहले मुझे ये बताइए ये जो इक्वेशन है डी इस केस में ये जो लिखा है डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू इसमें ये डब्ल्यू क्या है और इसमें ये वर्क डन बाय वर्क डन बाय इंटरनल वर्क इसीलिए आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है यस सर नो सर यस अब आज ही डाउट नहीं सर इसी का उल्टा अगर मैं ये कर लूं इसी का उल्टा मैं ये कर सकता हूं कि ये अर्थ है और मैं बॉल उठा के मतलब जो वर्क एक्सटर्नल है जो वर्क करने वाला वो बाहर का एजेंसी है अब मैं ये बॉल को उठा के यहां ऊपर रख देता हूं तो इस केस में कैन आई से डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ डी एक्स इज इक्वल टू प्लस डी यू यस ऐसा नहीं हाँ या ना हाँ सर मिस्टर हुसैन हाँ या ना हाँ सर जैन जी इस केस में प्लस डी यू क्यों है और इस केस में माइनस डी यू क्यों है सर क्योंकि सर एक्सटर्नल में मतलब सर फैक्टर्स होंगे मतलब सर वो ग्रेविटेशनल पुल वगैरह वगैरह सर और सिस्टम में सर एक्सटर्नल में
पॉजिटिव होएगा क्योंकि मतलब जब भी वो फाइनल 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 ये फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल को ये सॉल्व करके हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू आएगा और इंटरनल में नेगेटिव वैल्यू अच्छा आएगा। हाँ। सर ये स्क्रीन पे देखिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो ये स्क्रीन पे मिलेगा। इस केस में एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रही है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होने वाली है? कॉन्स्टेंट इस केस में सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो एनर्जी क्या होने वाली है? डिक्रीज अब्बास जी नहीं समझ आया? समझा सर। ये जो इक्वेशन है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स माइनस डी यू, हो सकता है कहीं कहीं आपको ये दिख जाए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस केस में तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू है, किताब में लिखा था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। तो अब्बास जी मैं ये पूछ रहा हूं कि ये वाले केस में और ये वाले केस में डिफरेंस क्या है? तो वो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू में एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है, जबकि दूसरे केस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू में जब इंटरनल एनर्जी काम कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता डाउट है। नहीं, सर खाली मुझे हाँ, ठीक है समझ। मैं आपको ये देखिए, मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बोला था, ये पूरे कंसेप्ट को अगर आप मैथ्स के एंगल से समझोगे तो आप मुश्किल में फंस जाओगे। ये पूरे कंसेप्ट को अगर आप फीलिंग लेवल पे समझोगे हाँ सर तो आप बच जाओगे। समझा। आपको एक सिर्फ बेसिक सी बात समझनी है कि मिस्टर एस्टन सुबह उठे, मम्मी ने बोला कि आज कोई काम नहीं मैं करने वाली। मिस्टर एस्टन ने कुक्ड 3 मील्स टू स्वेप्ट हिज 3 BHK, पूरे 3 BHK में झाड़ू पोछा किया थर्ड केस में, और क्या काम कर सकते हो मिस्टर एस्टन? हाँ, वॉश्ड क्लोज। मिस्टर एस्टन एट 6 PM वुड यू प्ले फुटबॉल? हाँ देश शर्म ऐसे नहीं नहीं भी बात समझ आई? बात नहीं सर, तो समझ नहीं आई क्या? वो मतलब एनर्जी कम हो रहा है। अरे सिस्टम हाँ सिस्टम काम कर रहा हाँ है। सिस्टम। अगर हाँ सिस्टम काम कर रहा है, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ना यार। हाँ लेट अस अज्यूम कि ये जितना भी काम था वो सारा का सारा बढ़िया एकदम मम्मी ने कर दिया, ग्रैनी हाँ सिस्टर ने कर दिया, तो आइफोन बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास उछल उछल के फुटबॉल खेलेगा एब्सेंट ही। हाँ या ना? क्योंकि हाँ सर इस केस में यार जो आपका वर्क है वो सारा एक्सटर्नल एजेंसी ने, जब एक्सटर्नल एजेंसी करेगा तो लेट अस कहने के लिए बोल देते हैं कि उसके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। यस सर नो सर? हाँ सर हाँ और यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको फीलिंग लेवल पे समझेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। तो सिस्टम जब काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, एक्सटर्नल एजेंसी जब काम करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। बट उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि हुसैन से मंडे को बात कर रहे हैं या फ्राइडे को बात कर रहे हैं। कहने का मतलब जो सिस्टम काम कर रहा है, जो एक्सटर्नल एजेंसी आप ले तो आए काम करने के लिए, बट वो जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो जब काम करना शुरू करती है उसके अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं या उसके अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं? भैया नहीं समझ में आ रहा। समझा समझा अब इसमें भी फिर से फीलिंग लेवल पे समझिए,
खेलने गए फुटबॉल, बढ़िया, मतलब एक्सेलेंट 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 प्लेइंग डे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा लग रहा है सबको, बहुत मजा आया। अब मिस्टर एस्टन खेलने गए फुटबॉल, पूरा जो पिच है इनका उसमें एक तो घास उगा हुआ है बड़ा बड़ा, ऊपर से 3 दिन बारिश हुई है, 3 डे रेन्स। मिस्टर एस्टन इस केस में ज्यादा काम होगा या इस केस में ज्यादा काम होगा? सर सेकंड केस केस बी। अबे ज्यादा कब होगा हाँ सर, केस ए में ज्यादा होगा या केस बी में? केस बी में ज्यादा होगा। चलिए ऐसा बोल देते हैं, यूजफुल वर्क कब ज्यादा होगा? यूजफुल वर्क केस कैसे कैसे? हाँ ए में ज्यादा होगा, नहीं समझ गया? तो आप ऐसे मान सकते हैं कि इस केस में आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस है और इस केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हाँ है। कोई डाउट है? नहीं सर थैंक। एक छोटा सा काम हमने और करना और फिर बाकी की डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में। हमें सिर्फ ये रिजल्ट डिराइव करना है, ये एक बार हमने पहले किया हुआ, बट फिर से ये रिजल्ट हमें डिराइव करना है। रिजल्ट कौन सा डिराइव? सेक्शन ये हम कर रहे हैं, इसमें जो रिजल्ट डिराइव करने वाले हैं वो ये डिराइव करने वाले हैं, ये वाला। हमने पहले भी, हाँ पहले क्या वो है। अब शायद जल्दी समझ आ जाएगा आपको, अगर उस टाइम नहीं समझ आया तो आप जल्दी समझ आ जाएगा। अब इस केस में मैं फिगर वैसे ही ड्रॉ करता हूँ जैसे पहले की थी, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये अर्थ है और ये मेरी जमीन है। ये बॉल मैंने यहां से पोजीशन आई से पोजीशन एफ पे मैं बॉल को उठा के ले गया। एक्चुअली बात समझे, हाँ ये आपको अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं फिर से फिगर बना देता हूँ। ये लीजिए, अब तो नहीं कंफ्यूज कर रहा? नहीं एक सेकंड, ठीक है। अब जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है, एक्सटर्नल एजेंसी हाँ कर रही है। मेरी बात समझ आ गई? तो हाँ एक्सटर्नल एजेंसी जब काम करेगी तो खुद ही बताइए, पहले तो ये बताइए कि वर्क डन जो है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज। मिस्टर राष्ट्र हाँ सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। आपको फीलिंग लेवल पे क्या लग रहा है कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हुसैन साहब इंक्रीज। इंक्रीज हो रही हाँ है। ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये वन के हाँ सर ये 1 kg की बॉल है, 10 m/s² जी की वैल्यू है, तो आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज थिंकिंग सेंस की एक्सटर्नल एजेंसी अगर काम करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अच्छा, होगी। हाँ एक्सटर्नल एजेंसी जो काम करेगी वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव होगा क्योंकि क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एनर्जी पॉजिटिव होता है। चलिए एक एंगल तो ये है। अब आजी दूसरा एंगल क्या है? हाँ सर चिराग ही नहीं, चिराग ही आपने जो बोला रिपीट कीजिए। ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी पॉजिटिव है और जब एक्सटर्नल एनर्जी पॉजिटिव है तभी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ऐसी है,
दूसरा इसको देखने का तरीका ये कि अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो लगा रही है इस साइड, आप फोर्स किस साइड लगा रहे हो, एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स किस साइड लगा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस मूव्ड किस साइड हो रहा है, ऑपोजिट, राइट, मतलब ऑपोजिट, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव. बाय एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो? यहां तक किसी को डाउट है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट देखिए, अब मैं अपना पुराना वाला फंडा ले आता हूं। पुराना वाला फंडा मेरा क्या था, मेरा पुराना फंडा ये था कि ये जो फोर्स है ये किसको किसके अगेंस्ट चल रही है, इसके अगेंस्ट चल रही है, और फोर्स है ये, फोर्स ये है एम एम बाय, अगर ये डिस्टेंस मैं एक्स मान लू, ये डिस्टेंस मैं एक्स मान लू एक्स स्क्वायर, यहां तो कोई डाउट है? नहीं सर. तो मेरी जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, मेरी जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी वो इसको अपोज करने में लगेगी. कैन आई राइट दिस एज एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर? यस सर, नो सर, यस सर, एक्चुअली हाँ है ना? हाँ सर. एक्चुअली सो तो नहीं है? नहीं सर. एफ एक्सटर्नल को ये ये ये, क्या मैं इसको कांस्टेंट के मान लू कंफर्ट के लिए? हाँ सर. हुसैन जी मान सकता हूँ? हाँ जी, तो कांस्टेंट है ये मास ऑफ अर्थ है, ये भी चेंज नहीं होने वाला, और ये जो एम है ये मास ऑफ बॉल है, ये भी चेंज नहीं होने वाली जब तक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. तो मैं इसको 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 कांस्टेंट मान लेता हूँ, के अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर. तो मेरी एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स जो मेरी लग रही है वो लग रही है ये, और ये जो है क्या ये कांस्टेंट फोर्स होगी या वेरिएबल फोर्स होगी व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ? जब मैं एक्स आई से एक्स एफ तक मूव कर रहा हूं, ये जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, विल इट रिमेन द सेम और विल इट चेंज? मिस्टर हुसैन, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगी. अबाजी पर चेंज होएगा. क्यों? क्यों? तो क्योंकि एक्स अगर बढ़े, अगर एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स, एक्सटीरियर फोर्स भी बढ़ेगा. सही बात है. अबाजी बात समझे? लेकिन यहाँ पे तो एक्स का वैल्यू तो मतलब वो तो एक्स आई और एक्स एफ के बीच में तो कांस्टेंट रहेगा. एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो जब आप इस पे मूव करना शुरू करोगे. हाँ 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 ओके ओके. अगर आपको डाउट आ रहा है तो थोड़ा सा एग्जेजरेट कर लीजिए, आप इसको ऐसे बोलिए. अगर आपको डाउट आ रहा है तो ऐसे मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए 1 किलोमीटर, इसको मान लीजिए 10,000 किलोमीटर. मेरी बात समझ? हाँ समझा समझा. तो हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो मेरी फोर्स है ये तो चेंज होगी ना? हाँ. डाउट है? नहीं. तो अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर जो हमने किया था तब भी हमने ये किया था कि मैं एक छोटा सा इंटरवल ले लेता हूँ जिसमें आई कैन राइट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स. हाँ या ना? हाँ सर. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी. कोई डाउट है? नहीं सर. फिर से समझिए, ये जो है this is very 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 small distance so that f doesn't change in this interval. meri baat samajh aayi? ha sir.
इस इंटरवल में, ये छोटे से इंटरवल में, यहां से लेके यहां तक तो फोर्स चेंज हो रही है, बट इन दिस इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगी। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं सर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेता हूं। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं। एक्चुअली ये जो वर्क है ये कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है या एजेंसी कर रही है? एजेंसी पर एस्टर जी, ये केस में हाँ एस्टर जी, ये इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? सर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रल। सर इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था ना, इंटीग्रल हाँ डीएक्स क्या होता है? समान एक्स मतलब एक्स। हाँ एक्स होता है एक्स स्क्वायर बाय टू, हाँ इंटीग्रल ऑफ डीएक्स। अगर आपको इंटीग्रेशन में नहीं समझना तो आप उसको ऐसे मान लीजिए, आपको याद होगा जब हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, इंटीग्रल हम कर रहे थे, तो हमने ओ बोला था कि दिस इज समेशन ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइट डी वर्क दिस विल बी इक्वल टू टोटल एक्स। डन। ये जो इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू है, विल इट बी इक्वल टू डब्ल्यू टोटल? यस सर। इसको एक्स आई मान लीजिए, इसको एक्स एफ मान लीजिए, क्या मैं यहां ऐसे करके लिख सकता हूं? हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई डाउट? नहीं इसके बाद आप मैथ्स के बादशाह हो। डब्ल्यू टोटल, ये वाले के को मैं बाहर ले आऊं, अंदर क्या रह जाएगा? टी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स आई टू एक्स एफ, यस सर। डाउट है? नहीं कैन आई राइट दिस एज के एक्स रेस टू पावर -2 डी एक्स एक्स आई टू एक्स एफ, ये हमने यस सर। हाँ -2+1 ऑन -2+1 एक्स आई एक्स एफ इज इक्वल टू के -1 अपॉन एक्स एक्स आई एक्स एफ। अब बाजी को डाउट है? क्वेश्चन नहीं सर। रिया जी सोई हुई है या जागी है? सर हूँ मैं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इक्वल होगा के -1 अपॉन एक्स एफ +1 अपॉन एक्स आई, एंड दिस विल बी इक्वल टू के 1 अपॉन एक्स आई -1 अपॉन एक्स एफ। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं सर। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, फाइनली जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको एक बार फीलिंग लेवल पे वेरीफाई कीजिए। फीलिंग लेवल हाँ वेरीफाई कीजिए मतलब ये जो वर्क था, ये वर्क किया था एक्सटर्नल एजेंसी ने, और लास्ट में जो एजेंट आपका जो वर्क आया वो आया कि 1 अपॉन एक्स आई -1 अपॉन एक्स एफ। के जो है वो आपने लिखा था जी एम। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। तो उस जी उस के को मैं यहां वापस लिख देता हूं, जी एम एम। एक्सटर्न जी को डाउट है? नहीं सर। ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा व्हेन आई एम टेकिंग द बॉल अवे फ्रॉम अर्थ? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। क्यों सर? सर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा नहीं, मैथमेटिकली क्या है सर, पॉजिटिव? क्योंकि जो एक्स आई का वैल्यू है वो एक्स एफ से कम है, तो
कम है। हाँ अपॉन एक्स आई का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन वन अपॉन एक्स एफ का वैल्यू। हुसैन जी मिस्टर चुराग क्या कह रहे हैं सर? सर मतलब जो हम लोग इंटीग्रल यूज करेंगे तभी हम लोग जब भी मतलब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर एफ का वैल्यू ज्यादा आएगा आई से। सॉरी तो एफ का वैल्यू ज्यादा आएगा आई से जब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नहीं एक्स आई है क्या फिर क्या इनिशियल और फाइनल एक्स आई बड़ा होगा या एक्स एफ बड़ा होगा? एक्सेस आप इस साइड जा रहे हैं हाँ एक्स आई को 1 मीटर मान लीजिए, एक्स एफ को 2 मीटर मान लीजिए, हाँ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 1 माइनस डी एम एम 1 माइनस 1/2 तो ये पॉजिटिव आएगा। हाँ ये जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा है? इंक्रीज। आपका जो डेल्टा यू है वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव। ये वर्क के अगेंस्ट धरती माता जो है जो सिस्टम है वो इतना ही नेगेटिव वर्क कर रहा है। यस सर नो सर? यस सर। बातें एक दूसरे के साथ जाके फिट हुई या नहीं हुई? हाँ सर। सर सर ये केस में मतलब जो वर्क बाय सिस्टम होगा वो नेगेटिव होगा जी। बहुत धरती माता के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना आप यार। अगर आप बॉल अगेंस्ट लेके जा रहे हो तो सिस्टम तो काम नहीं कर रहा ना, तभी तो आप लेके जा रहे हो। नहीं समझ? हाँ। ये हमारा वही केस है। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि लड़के को भेजा मैंने गोरेगांव में, मेरा लड़का वहां फिजिक्स का बादशाह बनेगा, लड़का वहां उसके क्या नाम कपिल शर्मा शो में डांस कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। कोई डाउट है यार? नहीं सर। मैं बहुत 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 स्लो चल रहा हूँ एक्चुअली। ये वीडियो आप रिवाइज करोगे तो आपको 2x पे देखना पड़ेगा इतना स्लो चल रहा हूँ। तो और क्यों स्लो चल रहा हूँ वो भी रीजन बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद ये रिजल्ट प्रूव करने के बाद अब मैं नेक्स्ट टाइम जैसे हमारे 12th के छात्र हैं उनसे अगर मैं ये करना हो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और एक्सटर्नल फोर्स अगर इस साइड लग रही है तो वर्क एक्सटर्नल जो है वो पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बट वर्क इंटरनल जो है नेगेटिव होगा। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम। अब इन्हीं के साथ जब मैं स्प्रिंग का काम करूंगा, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने एक्सटेंड कर दिया तो सिस्टम का अगर मुझे वर्क निकालना है तो मैं यही लॉजिक पे बात करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। डाउट है? नहीं। हुसैन जी मतलब थक चुके हैं बोल रहे हैं अंकल जी। नहीं छोड़ दो, अभी मेरा फुटबॉल का टाइम भी हो गया, हम जा रहे हैं। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। रहेंगे तो यार अगर हो सके तो प्लीज ये लेक्चर को दोबारा देखिए, क्योंकि हाँ सर ठीक है। इस लेक्चर को यूज करके हम बाकी टॉपिक्स में जब यही चीज दोबारा आएगी फिर हम इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिर रेफर टू ये जो पॉइंट है इसी को रेफर कर लीजिए। और ये जो रिजल्ट है इसी को लेके नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए मैं आज यहां तक पहुंच गया हूँ। ये देखिए अब इस रिजल्ट को लेके मैं आगे चलूंगा जिसमें ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए ये सामने वाला रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद ये कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल आ जाएगा। अब जो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल है जो यहाँ ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल है वो 12th वालों के साथ मैं यूज करूंगा, सेम पोटेंशियल का फंडा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए यूज करूंगा। अब आज सॉरी ओके सर चिराग बात समझ आ रही?
हाँ सर, ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।